हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपको चौंकाने के लिए। आज हम जो जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं वो आपको हैरान कर देगी। मंदिर में हम सभी भगवान के दर्शन करने और पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, लेकिन ये बात मंदिर में दर्शन की नहीं बल्कि बात मंदिर के निर्माण को लेकर है। कुछ मंदिर प्राचीन काल से ही हैं और कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया है, और समय के साथ साथ मंदिरों का निर्माण होता रहता है जो कि इंसानों के द्वारा ही होता है। लेकिन क्या हो जब मंदिर का निर्माण इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि उनके द्वारा हो जिनके नाम को सुनते ही हम डर जाएं। समझ गए ना आप? बिल्कुल सही पहचाना आपने, भूत। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जिसमें भगवान केशव यानी विष्णु भगवान अपनी पत्नी माता लक्ष्मी संग विराजमान हैं। सुनने में अजीब जरूर है लेकिन सच है। हम बात कर रहे हैं भूतपुरी की। श्री पेरम्बदूर को भूतपुरी के नाम से जाना जाता है। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये नगर प्रसिद्ध संत रामानुजाचार्य की जन्मभूमि है। अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो भूतों को एक मंदिर बनाना पड़ा। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव सभी के आराध्य देव हैं। देव हो, इंसान हो, राक्षस हो या भूत, सभी भगवान शिव को पूजते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर भूतों ने ऐसा क्या किया जो उन्हें मंदिर तक बनवाना पड़ा। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव तांडव कर रहे थे तो उनके तांडव को देखकर भूतों को हंसी आ गई। ये देखकर शिव भूतों से क्रोधित हो गए और शिव ने उन्हें श्राप दे दिया। भूत भला शिव से कैसे दूर रह सकते हैं? अपनी इसी व्यथा को लेकर सभी भूत ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे विष्णु भगवान की दक्षिण सत्यव्रत तीर्थ में पूजा करने के लिए कहा। भूतों ने कई वर्षों तक विष्णु भगवान की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और भूतों के लिए एक सरोवर का निर्माण भी किया जो कि अब अनंत सर के नाम से प्रसिद्ध है। तब भूतों ने श्राप मुक्ति के लिए उस सरोवर में स्नान किया, तब जाकर उन्हें श्राप से मुक्ति मिली और उन्हें शिव के साथ रहने का अवसर मिला। भगवान विष्णु का आभार प्रकट करने के लिए भूतों ने विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण किया जो कि भूतपुरी के नाम से जाना जाता है। है ना हैरान करने वाली बात, पर ये सच है और एक ऐसा सच जो भक्ति के भाव को दिखाता है।